तो हेलो गाइस, आज मेरे पास में ये एक छोटी सी चंद्र प्रकाश साबुन है जो मात्र 10 रुपए में आती है। तो चलो गाइस, इसको हमने प्रयोग भी किया है मगर अभी तक ये नहीं सोचा कि ये किस चीज से बनती है और कैसे बनती है। तो चलो गाइस, आज हमने कुछ हमारे वीडियो में ऐसा ही प्रोजेक्ट तैयार किया है जिससे हम साबुन बना सकते हैं। तो चलो गाइस, हमारा काम स्टार्ट करते हैं। वीडियो पे नहीं हो तो लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना हमारे चैनल को। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा काम। सबसे पहले मुझे एक खाली बाल्टी चाहिए जिसके अंदर ये एक 350 ग्राम पानी है और इस डिब्बे के अंदर 350 ग्राम कास्टिक सोडा है जिसको मैं इसके अंदर डाल देता हूँ कुछ इस तरह। और फिर इसके अंदर पानी डाल के अच्छी तरह मिक्स कर देता हूँ। तो गाइस ये देखिए, 350 ग्राम पानी और 350 ग्राम ही कास्टिक सोडा। तो चलो इसको अब मैं लकड़ी की सहायता से हिला लेता हूँ। तो गाइस ये देखिएगा, बिल्कुल इसके अंदर से भाप निकल रही है, ये बहुत ही गर्म हो चुका है। तो गाइस, इस पानी को और कास्टिक सोडे को बिल्कुल अच्छी तरह से हम 15 मिनट तक इसको लकड़ी की सहायता से मिक्स करते हैं, यानी कि इसको हिलाते हैं। तो चलो इसको अच्छी तरह मिक्स करके और फिर इसके अंदर कुछ और चीज़ डालते हैं। तो गाइस ये देखिए, हमने कास्टिक सोडे को बिल्कुल मिक्स कर दिया है। तो चलो इसको रखते हैं अब हम साइड में। और दूसरा मेरे पास में ये एक तबेला है। तो गाइस दूसरा मेरे पास में ये एक तबेला है और एक बोतल है जिसके अंदर करीब से करीब 350 ग्राम यानी कि ऑयल है जो कि हम बोलते हैं रिपेंड का तेल है। तो चलो गाइस, इसको मैं इस तबेले के अंदर डाल देता हूँ। तो गाइस ये देखिए, हमने इसके अंदर 350 ग्राम तेल डाल दिए और अब मुझे चाहिए थोड़ा सी मैदा। तो ये देखिए गाइस, मेरे पास में मैदा तो नहीं है लेकिन मैं मैदे की जगह इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। घर से जो हम रोटी बनाते हैं ना, उस आटे का इस्तेमाल किया मैंने। चलो इसके अंदर हम डाल देते हैं 350 ग्राम आटा। तो ये देखिए गाइस, अब गाइस दूसरी चीज, इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करते हैं जैसे हम कास्टिक सोडे को और पानी को मिक्स किया। तो चलो इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो गाइस ये देखिए, हमने कुछ इस तरह आटे को तेल के अंदर मिक्स कर दिया। और आप भी घर पे बनाना चाहते हो ना तो कुछ इसी तरह करना। तो चलो इसको मैंने 15 मिनट तक के लिए अच्छी तरह मिक्स कर दिया और अब हम इसके अंदर डालते हैं कास्टिक सोडा। तो गाइस ये देखिए, मेरे पास में कास्टिक सोडा है। तो चलो इसको इसके अंदर डाल देते हैं। और अब गाइस हमें कुछ इस तरह का कार्य करना है, इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करना होगा। तो चलो इसको मिक्स कर लेते हैं और कुछ ही देर में ये कास्टिक सोडा उस तेल को और आटे को एक साथ इकट्ठा करके जमा लेगा। तो गाइस अभी आपके सामने कुछ इस तरह का बनाया है ताकि ये चीज कठोर हो जाए। और गाइस कुछ ही नहीं, इसी तरह साबुन बनती है और इसके अंदर रीपाक, दूसरी जो हम कपड़े धोते हैं बबल्स उठते हैं ना, जैसे कि झाग निकलते हैं, तो गाइस उसी चीज की एक बोतल आती है जिसको बोलते हैं मिनरल बोतल। तो गाइस वो तो मेरे पास में नहीं है लेकिन इसके अंदर मैं एक सर्फ का पैकेट डाल के आपको बता देता हूँ। कुछ नहीं है, बस उसमें से झाड़ू और डिटोल आती है तो वो इसमें से हम डायरेक्ट सर्फ से काम चलने लगे। तो चलो गाइस इसको थोड़ा सी मिक्स कर देते और फिर इसके अंदर डालते एक छोटी सी 10 रुपए की सर्फ की थैली।
गाइस ये देखिए मेरे पास में कुछ इस तरह की एक 10 रुपए की सर्फ की थैली है, तो चलो मैं इसको इसके अंदर डाल देता हूँ और अच्छी तरह से मिक्स कर। तो गाइस इसके अंदर हम सैंपल भी डाल सकते हैं, वो जो लाइफबॉय वगैरह नाले वाली साबुन आती है ना नहाने वाली, जिससे हम नहाते हैं, तो वो इसी तरह से होती है, उसमें सैंपल वगैरह डाल के और कलर वलर अलग करके इसमें नाम लिख के और आगे पार्सल कर देते हैं। तो गाइस चलो इसको भी हम अच्छी तरह मिक्स कर देते। तो ये देखिए गाइस हमारी जैसे कि आटा डाला और कास्टिक सोडा डाला और हमने कुछ ऑयल डाला, जिससे ये देखिए गाइस गाढ़ा हो गया। चलो इसको भी हम जल्दी से मिक्स कर देते हैं ताकि ये सिर्फ अच्छी तरह से इसके अंदर घुल जाए। तो गाइस ये देखिए हमने बिल्कुल इसको हिला डिला कर ये बिल्कुल कड़क हो चुका है। तो गाइस इसको हमने जमा दिया और अब इसको हम रखते हैं बिल्कुल नॉर्मली 4 या 5 घंटे के लिए, तक तक ये बिल्कुल कड़क हो जाएगा। तो चलो गाइस फिर बाद में हम इसको काट के बाहर निकाल के टेस्टिंग करते हैं। हमारी साबुन सक्सेस वैसे तो हो चुकी है, मगर देखते हैं ये कितना क्या इसके अंदर से बबल्स निकलते हैं। क्योंकि गाइस मैंने इसके अंदर डालनी थी वो एक तो ऑयली चीज जो मेडिकल पे मिलती है, मगर मैंने इसमें डायरेक्ट सादा काम किया, इसके अंदर सर्फ डाला और दूसरी चीज इसके अंदर शैम्पू डालनी चाहिए थी जो मैंने नहीं डाले। तो चलो गाइस इसी से हम कुछ देर बाद में चेक करते हैं। तो चलो मिलते हैं हम। देखिए आज हमारे जो हमने साबुन बनाई थी उसको करीब से करीब मैंने आपको 1-2 घंटे के लिए रखने के लिए बोला, लेकिन हमें कुछ टाइम नहीं मिला, तो घर पे कुछ काम यानी कुछ फंक्शन था, तो इस वजह से आज करीब से करीब इस टब को हो चुके हैं 2 दिन। तो ये देखिए गाइस हमने कुछ इस तरह टब को तैयार किया और चलो इसको हम उल्टा पटक के इसको बाहर निकालते हैं। तो ये देखिए गाइस हमारी कुछ इस प्रकार साबुन तैयार हो चुकी है और गाइस अब हम इससे आपको हाथ धो के बताएंगे। तो गाइस इस चीज में कुछ नहीं, बिल्कुल करीब से करीब 100 रुपए का खर्चा है, लेकिन 2 या 3 किलो की साबुन बनके तैयार हो चुकी है। तो गाइस अब हम इसको घर पे हफ्ते भर के लिए आराम से कपड़े धो सकते हैं। तो गाइस इसी प्रकार आप लोग भी घर पे बना सकते हैं। तो गाइस हमारा प्रोजेक्ट आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। तो चलो हम चलते हैं आगे, इसके हाथ धो के टेस्टिंग करते हैं कि हमारी साबुन कितनी पावरफुल है और कितनी नई है। तो चलो क्या मतलब है, फैल लीजिए बाबू।